भाई ये मस्त बाइक चलाती है, देख रहे हो गाइस? ओ भाई खतरनाक व्हीली, खतरनाक व्हीली। तो रोड पता नहीं ये लोग कहाँ से जाने वाला है। ओ भाई चाचा क्या दिखा रहा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप लोग, होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए गाइस। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं एक प्यारा सा राइड और बॉम सा राइड के लिए। तो अभी टाइम देख सकते हो 5:46 हुआ है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू टाउन वाले साइड और मेरे साथ है विली बॉय सुदीप। तो और आगे ना हम लोग के लिए वेट कर रहा है कुसुम जो कि लेडी राइडर है अपना निंजा 650 पे। तो चलो जाते हैं उसके साथ मीट करते हैं फिर राइड करते हैं एक साथ। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और आप लोगों का खतरनाक वाला सपोर्ट ज़रूर से दिखाना, दिखाना चाहिए गाइस। आपके भाई आप लोगों के लिए इतना सारा प्यारा प्यारा व्लॉग लाते रहता है तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाओ। तो फिलहाल तो वो तो अभी है एक नंबर एयरपोर्ट के अंदर। तो चलो चलते हैं एयरपोर्ट जाते हैं। और रोड में तो आज रश मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि शाम के टाइम है, बहुत ज़्यादा रश मिलता है। और गाइस आज काफ़ी दिन बाद निकले राइड पे क्योंकि मेरा तबीयत ना थोड़ा सा डाउन चल रहा था जिसके चलते निकल नहीं पाए, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन था। अभी भी ठीक नहीं हुआ लेकिन निकल गए राइड के लिए। और यहाँ से हम लोग पकड़ने वाले हैं फ्लाईओवर। और यहाँ से हम लोगों का पूरा एयरपोर्ट दिखाई देता है अच्छे से। लो गाइस ये देखो यहाँ पर वेट कर रही है। हेलो कुसुम, क्यों? तो चलो चलते हैं। तो फिलहाल तो कुसुम से मिल लिया अभी। भाई ये मस्त बाइक चलाती है, देख रहे हो गाइस? सबसे मस्त वाला बाइक चलाती है ये। तो इसके साथ ना राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है और मुझे आगे का रोड मालूम नहीं। चलो इन लोगों से, तुम लोग आगे जाओ हम पीछे रहते हैं, हमको रोड मालूम नहीं। तो जैसा कि गाइस मैं ना इस तरफ ज़्यादा नहीं आता क्योंकि इस तरफ ना बहुत पुलिस का झंझट रहता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर पुलिस पकड़ते हैं ना, तो मैं ज़्यादा टाइम इस तरफ में ना राइड करना इग्नोर करता रहता हूँ। गाइस जैसा कि आप लोगों को बोला था कि इस तरफ के रोड में ना काफ़ी ज़्यादा रश रहता है और देख ही सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक वाला रश है रोड पर। और शाम के टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है और ये लोग ना अपने बाइक को फुल पावर के साथ रेव कर रहा है। ये देखो ये बोल रहा है ठोकना मत आज। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन इसको फोकस करो, सब लोग फोकस कर रहा है तुमको। अरे यहाँ पर ना गाइस सिग्नल का प्रॉब्लम है लगता है और मुझे तो रोड पता नहीं ये लोग कहाँ से जाने वाला है। ओ भाई चाचा क्या दिखा रहा है। भाई ये लोग तो आगे निकल गया। अच्छा यहाँ से लेफ्ट मार दिया है। ये रोड पता ना होने से ना गाइस बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मेरे को रोड पता होता ना मैं फुल हाइपर के साथ चलता।
आज कुछ अलग ही व्लॉग हो रहा है ना, आज ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग हो रहा है, नो हाइपर राइडिंग, सिर्फ ट्रैवल। चलो चलते रहो, कहीं पर रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, मज़ा है राइड का अलग। हमेशा हाइपर राइडिंग अच्छा नहीं लगता, कुछ बंदे तो ऐसा भी कमेंट करता है गाइस कि छपरी राइडर सही है। अगर आप लोगों का हाइपर राइडिंग छपरी राइडर लगता है तो क्या ही बोल सकते हैं। अब राइड हर किस्म का होता है, हाइपर राइड होता है, ट्रैवल राइड होता है, कितना सारा राइड होता है गाइस। तो हर समय तो ट्रैवल तो नहीं कर सकते हम लोग, इधर उधर घूमने के लिए भी तो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा, और वो रोकड़ा कहाँ से मिलेगा, मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। ओ भाई खतरनाक वीली, खतरनाक वीली भाई, खतरनाक था वीली, आज कुछ ज्यादा ही उठ गया था, मैंने सोचा गया ये आज। अरे आमी भावलम तुम्हें गया छो आज के, ओ भाई पटपट से राइड होगा। हाँ ये कहाँ आ चुके हैं हम, हमको खुद को ही पता नहीं, ये लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं मुझे भी पता नहीं, हम सिर्फ पीछे पीछे राइड कर रहे हैं इन लोगों के साथ। और लो भाई ये तो भगाना चालू कर चुकी है, कभी कभी इन लोगों को क्या चढ़ जाता है पता नहीं, फटाक से निकल जाता है और मैं पीछे रह जाता हूँ, एक का 390 एक का 650 और मेरा 200। लो भाई आ गए हम लोग, लोकेशन तो यही था आने का। अरे उसके सामने के चक्का में देखो क्या घुसा है, उसके सामने के चक्का में इतना बड़ा कील घुसा हुआ है इसका। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो। तो गाइस फिलहाल तो आज का लाइनअप चेक कर लो, RC 200, Ninja 650 और इधर RC 390। अरे निंजा सब लोग पहचानते हैं, निंजा बोलने से, कावासाकी तो वो उसका ब्रांड का नाम है। तो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग रुके थे मुंसी पे, यहाँ पर एक छोटा सा कैफे है, कैफे पे रुक गए थे और सारे बंदे देखो हाँ। और इधर कुसुम है अपना बाइक पे बैठ के, क्या खूब लग रही है। और सुदीप तो को देखो, सुदीप तो भी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा है और ये लोग भी व्लॉग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो काफ़ी देर तक रुके यहाँ को और टाइम देख सकते हो कितना हो चुका है। तो फिलहाल तो अभी निकलते हैं और एक बॉम्ब सा राइड करते हुए फुल पावर के साथ घर की तरफ चलते हैं। तो चलो निकला जाए गाइस और इन लोगों का थोड़ा सा ख़त्म करने दो व्लॉग को। ओ भाई क्या खतरनाक वाला रिएक्शन मिल रहा है गाइस, चेक करो ये देखो, देख रहे हो गाइस। कहाँ से जाओगी, तो गाइस देखो एक बार रात के टाइम ना काफ़ी मज़ा आ रहा है आज राइड करने में, बहुत दिन के बाद ऐसे रात को निकले। और दिन के टाइम आप लोगों को पता है बहुत गर्मी चलता है जिसके चलते व्लॉग ना सही से नहीं हो पाता है, लेकिन आज रात को निकल के ना इतना मज़ा आ रहा है राइड करने में, अलग ही लेवल का गाइस। सोच रहे हैं आज से ना रात को ही व्लॉग बनाए। हाँ रात को व्लॉग बनाने में एक दिक्कत आता है कि उतना वीडियो क्वालिटी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आता, जो कि दिन के टाइम में बहुत अच्छा क्वालिटी आता है। 2 hours later। तो गाइस सीधा ना मुंशी से निकल के हम लोग आ गए थे बेलघोड़िया एक्सप्रेस वे पे और खतरनाक वाला गाइस बारिश हो रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए एक चाय की दुकान पे रुक गए। और अभी देख सकते हो ये सामने मतलब फुल बाइक को थ्रॉटल दे रहा है, खतरनाक वाला थ्रॉटल दे रहा है, देख रहे हो गाइस। और मैड मेरे पीछे बैठा है, वो अपना बाइक को रख दिया है एक जगह पे। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं कुसुम को घर छोड़ने, तो चलो चलते हैं।
अभी भी ना गाइस थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और बहुत ही तेज़ बारिश हुआ था, तो फिर हम लोग को रुकना ही पड़ा, इतना बारिश हो रहा था। रोड देख के आप लोगों को शायद से रोक देख के पता चल ही रहा होगा कितना बारिश हुआ था गाइस। और कर भी कह सकते हैं गाइस, अभी ना मानसून का टाइम चल रहा है। ओ भाई ये लोग पीछे डील बना रहा है। और मानसून के टाइम में ना गाइस ऐसा बारिश होता ही रहता है, और मेरा बाइक पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। तो चलो चलते हैं अच्छे से घर पे जाओ, मैं भी तो पूरा भीग गया। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं बाद में, टाटा।